अंबिकापुर में मानव तस्करी का हैरान कर देने वाला मामला आया। यहां पर एक शख्स अपनी झूठी पहचान बताकर युवती से कोर्ट मैरिज करने के लिए उसे कोर्ट ले गया, लेकिन वहां खुल गई उसकी पोल। देखिए सर, लव जिहाद, मानव तस्करी, झांसे की प्लानिंग फुल, नूर आलम बना राहुल, झूठी पहचान मैरिज का खेल, खुला राज साजिश हुई फेल। देश भर से आ रहे लव जिहाद के मामलों के बीच अंबिकापुर में भी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मुस्लिम युवक अपनी पहचान बदलकर आदिवासी युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर गुजरात ले जा रहा था और इसके लिए उसने अनोखी शर्त रखी। आरोपी ने युवती से शादी करने के लिए कहा और उसे कोर्ट भी ले गया। इस शख्स ने युवती को अपना नाम राहुल बताया था। आदिवासी युवती उसकी चाल में फंस जाती, लेकिन कोर्ट में दिए गए कागजात से युवक के असली नाम का पता चला, युवक की असली पहचान का पता चला और साजिश का खुलासा होने पर युवती ने जमकर हंगामा किया। ट्रेन का टिकट करवा दूंगा करके इसलिए हम लोग आए थे। अच्छा, लेकिन यहाँ आके वो बोला कि जब कहीं आप लोग दूर जाते हो तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा, ऐसा करके बोले थे। इसलिए हम लोग इनको बोले थे कि शादी ये कर लेंगे, बोलते डुप्लीकेट बनवाएंगे करके, इसलिए हम लोग आ गए। तो क्या नाम है उन लोगों का जो लेके आए थे? वो हमको राहुल नाम बताया था, लेकिन ओरिजिनल नाम नहीं पता है। ठीक, क्या नाम है उसका? हमको राहुल बोल के बताया था, बट असली नाम नहीं पता। तो राहुल मतलब राहुल नाम बताया था, लेकिन उसका नाम राहुल नहीं है क्या? वो बोला था कि डुप्लीकेट बनाएंगे ऐसा करके, तो हम लोग हाँ बोले थे। मतलब वो लड़का मुस्लिम है और हिंदू अपना नाम बताकर यहाँ लाया था आपको? हाँ, हाँ। और गुजरात ले जाने के लिए बोल रहा था। इस हंगामे के बीच मौके पर हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच गए और युवक की जमकर पिटाई की। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि ये फिल्म केरला स्टोरी की तरह लव जिहाद और मानव तस्करी की बड़ी साजिश है। ये पता चला कि जो लड़का है वो इन लड़कियों को, जब लड़कियों से पूछताछ वहां पर भीड़ ने किया है, तो लड़कियों ने ये बताया कि वो लड़की जो है नौकरी के सिलसिले में कोंडा गांव से यहां पर आई हुई है और वो जो लड़का, जो मुस्लिम लड़का है, वो ये कह के लाया था कि तुम मेरे साथ आओ और ये शादी वाला कार्ड, ये ऐसा कागज एफिडेविट वगैरह बनवा के रखेंगे जिससे कि तुमको जहां जा रही हो वहां पर तुम्हारे साथ नौकरी में कोई छेड़छाड़ हो, कुछ अभद्रता की घटना नहीं होगी। पूरा समझ में मुझे आ रहा जैसा केरला स्टोरी अभी जो लेटेस्ट फिल्म आई हुई थी उसमें जिस तरह से मानव तस्करी किया जा रहा था हिंदू लड़की और दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ, उसी तरह का कुछ ये योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के साथ ही एक युवती को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि युवती आरोपी का साथ दे रही थी। हालांकि पुलिस इस मामले को मानव तस्करी की कोशिश बता रही है। कोर्ट में अपना जो अंबिकापुर कोर्ट परिसर में तो कुछ फर्जी शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एफिडेविट बना रहा था, उसी टाइम पे अहलिया को लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये लड़का का नाम तो राहुल सिंह के नाम से जानती थी, लेकिन जब साइन कर रहा था वो नूर आलम नाम का साइन कर रहा था, तो उसको लगा कि कुछ उसके साथ धोखाधड़ी टाइप का कुछ हो रहा है और वो लोगों को आसपास बुलाई थी देखने के लिए कि क्या है, और उसी में तो पुलिस भी पहुंच गई थी मौके पे और राहुल सिंह को और शर्मिला को थाना लेके गए थे और प्राथमिक जांच में ये पता चला कि ये मानव तस्करी का मामला। बताया जा रहा है कि नूर आलम से राहुल बना ये युवक पहले से शादीशुदा था और झूठी पहचान बताकर युवती को झांसा दे रहा था। नौकरी के नाम पर उससे शादी तक की प्लानिंग की। हालांकि साजिश का खुलासा हो गया और अब पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। श्रवण महंत, न्यूज 18, अंबिकापुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।